आप देख रहे हैं न्यूज सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाजा डैंग आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सेवा सिंह बाली जी जो कि एस पी ओज़ रिटायर्ड एस पी ओज़ या जो डिसिंग एज एस पी ओज़ हैं उनकी लड़ाई जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो लड़ रहे हैं और कल का एक प्रोग्राम जो है वो इनकी तरफ़ से किया जाना है और क्या कुछ प्रोग्राम है क्या उसकी रणनीति रहेगी सर आपका स्वागत है न्यूज सयर इंडिया में थैंक यू जी सेवा सर कल का जो आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है क्या प्रोग्राम है और क्या रणनीति बनाई जाएगी अरफाज साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी पहले से इस किस्म के संकेत जो हैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे के रखे थे जिसमें हमारे डिसंगेज एस का जो मुद्दा है ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से वहाँ के कार्यालय से यहाँ पर लेटर आया हुआ था सब कुछ होने के बाद अभी तक जो हमारे डीजी साहब का हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का जो रवैया था वो बिल्कुल नाकश था तो उस वजह से हमने ये बताया था कि अगर पंद्रह तारीख तक इस पर कोई अमल नहीं किया तो हम पंद्रह के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जिसकी कड़ी में एक सत्रह तारीख को ऑलरेडी हमने श्रीनगर में भी एक प्रोटेस्ट किया और कल यानी पच्चीस तारीख को डोगरा हाल सेक्ट्रेट के साथ में जो डोगरा हाल है वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा इजलास यानि एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें हम ये तय करेंगे कि अगला लाए हम, ला लाह हमारा क्या होगा और उसमें जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो मेन मेन साथी हैं उनको हमने बुलाया है और कल डोगरा हाल जम्मू में जो सेक्ट्रेट के साथ में है डोगरा हाल वहाँ पर हमारा एक इजलास बाकायदा तौर पर किया जाएगा और उसमें हम ये अगले कदम की जो है आपस में विचार करेंगे और आपसी मीटिंग करने के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा उसका कल बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा और जिसमें हमारे सिर्फ एस के रिलेटेड जो मुद्दे हैं जिसमें नंबर वन हमारा डिसेंगेज एस जो हैं जिनको ऑलरेडी होम मिनिस्टर के कार्यालय से लेटर इशू हो चुका उसके बाद अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया दूसरा जो हमारे सर्विस कर रहे हैं एस उसका रिप्लाई होम डिपार्टमेंट की तरफ से और डीजी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है तीसरा जो रिटायर्ड एस कर दिए गए हैं विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट उस चीज़ के लिए हमने प्रॉपर वहाँ पर सभी मुद्दों को वहाँ पर प्रॉपर हाईलाइट किया जाएगा सभी साथियों को लेकर और जो आज तक हमने इस पर कार्रवाई की है वो सभी आ, मीडिया के सामने शो किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को स्पष्ट अल्फाज में कल के डेट में हम ये पैगाम देंगे अगर हमारे इन लोगों के साथ जल्द अज जल्द इंसाफ ना हुआ तो हमारा अगला जो कदम होगा वो हम कल बाबा तौर पर ऐलान कर देंगे मीडिया के जरिए और कल हमारा यही एक पीसफुल जो इजलास है हमारा डोगरा हाल जम्मू में होने जा रहा है और उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है हाल बुक हो चुका है सब कुछ हो चुका है तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो हमारे साथी आ रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कन्फर्म है कल की जो हमारी मीटिंग है कल का जो हमारा इजलास है वो बिल्कुल कन्फर्म है वो सारा तैयारियाँ जो है हो चुकी है और आप सभी लोग जो है आराम से आ सकते हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं यही हमारा पैगाम रहेगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने सपोर्टर्स को और अपने साथियों को सीवा सर ये जो आपका प्रोग्राम है ये मीटिंग तक ही महदूद रहेगा या सेक्रेट्रेट या गवर्नर हाउस जाने का भी कोई इरादा है नहीं जब एक तो हमारा पहले मीटिंग हो गया अगले अगला कदम जो हमारा क्या होगा उसके लिए दिस, हमारा डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया और हमारी कोशिश ये रहेगी कि डोगरा हाल से निकलकर राजभवन तक हम पीसफुल रैली के शक्ल में जाएंगे और राजभवन के गेट पे जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपेंगे और वहाँ से हमारे जो लोग हैं अपने अपने मंजिल की तरफ चले जाएंगे पीसफुल प्रोटेस्ट कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी ये सिर्फ हमारा कल का इस रैली का मकसद ये है कल के इजलास का मकसद ये है कि एक बार जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं पीसफुली कि हमारे इन मुद्दों पर तो दें अगर इस पर तो न दी गई तो आने वाला वक्त जो है उसको फिर एल जी साहब को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को गवर्नर इंतज़ामिया को तैयार रहना होगा क्योंकि हमारे जो साथी हैं आने वाले वक्त में कड़ा कदम भी उठा सकते हैं और अपने परिवार बच्चों को लेकर भी सड़कों पर आ सकते हैं सर ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ये रिटायर्ड एस और डिस्टेंगेज एस होंगे या उनके अलावा भी कोई लोग होंगे इसमें कहीं सरपंच साहिबान होंगे कहीं हमारे ऑल इंडिया ऑफ पोअर पीपल का जो हमारा संगठन है वो हमारे उसमें अहदेदार होंगे और हमारे ट्रेड यूनियन के लोग होंगे और साथ में हमारे जो डिस्टेंगेज एस हैं आल डिस्ट्रिक्ट से वो होंगे और रिटायर्ड एस जो है वो भी होंगे मतलब ये सभी मिलके हमारा एक ऑल इंडिया ये जो प्रोग्राम कल किया जा रहा है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोअर पीपल्स के बैनर तले इस इजलास को किया जा रहा है और पेंथर्स ट्रेड यूनियन जो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं इनके बैनर के तले इस प्रोग्राम को कल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यही मेरा पैगाम रहेगा तमाम जो आने वाले लोग हैं कल का प्रोग्राम स्टैंड है उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है और डोगरा हाल में ही कल हमारा इजलास होगा चलो शुक्रिया सर में बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी तो ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी जिनके द्वारा कल एक जो प्रोग्राम है वो किया जाना है और हर डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे लोग पहुँचेंगे और इस प्रोग्राम की शान बनेंगे फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया महर फाजम डैंग कैमराम शाहनवाज के साथ